हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जसप्रीत कौर और आज हम इसी चैप्टर की चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की अगली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूरा बताया था, वो क्या होता है उसको पूरा एक्सप्लेन किया था। सिमिलरली वील टॉक अबाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो इट इज़ अ क्रॉस इन विच inheritance of two characters are studied simultaneously, ठीक है। ये वो क्रॉस होता है जिसमें हम एक साथ दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, यानी कि जो भी क्रॉस कराएंगे हम उसमें दो कैरेक्टर्स को हम एक साथ स्टडी करेंगे। जो भी दो कैरेक्टर्स हमने कंसिडर किए हैं, तो सबसे पहले हम वो दोनों ट्रेट्स लिख लेते हैं जिनके लिए हम ये क्रॉस कराएंगे, ठीक है। टू ट्रेट्स हमने टी प्लांट के दो कैरेक्टर्स ले लिए हैं। सबसे पहला है हमारा सीड कलर और दूसरा है हमारा सीड शेप, ठीक है। तो ये है हमारा सीड कलर, हो सकता है येलो या हो सकता है ग्रीन, और सीड शेप हो सकता है राउंड या फिर हो सकता है रिंकल्ड, ठीक है। इसमें से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव? तो येलो इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, ग्रीन इज अ रेसेसिव कैरेक्टर, राउंड इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिंकल्ड इज अ रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। डोमिनेंट एंड रेसेसिव अगेन लॉ ऑफ डोमिनेंस पे डिपेंड करता है। जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट, जो नहीं होता है वो रेसेसिव। इनको लिखते कैसे हैं हम, इनके आगे हम इनका जीनोटाइप लिख देते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर का फर्स्ट वर्ड लेते हैं कैपिटल वाई। अलील्स दो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। रेसेसिव को दिखाने के लिए इसी का ही लोअर केस लेटर ले लेते हैं। और राउंड एक डोमिनेंट है कैरेक्टर, तो इसका पहला लेटर ले लेंगे कैपिटल आर। रिंकल्ड को इसी के लोअर केस लेटर स्मॉलर से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमने दो ट्रेड्स लिख लिए, सीड कलर, सीड शेप और उनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्रॉस। पहले लिखेंगे हम P1 जनरेशन, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। हम डोमिनेंट का क्रॉस करा रहे हैं रेसेसिव के साथ, तो हम दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन लेंगे। येलो डोमिनेंट है, इसके साथ में दूसरा डोमिनेंट कैरेक्टर है राउंड। तो येलो राउंड एक प्लांट जिसमें येलो कलर के सीड्स हैं और राउंड सीड्स हैं, उसका हमने क्रॉस कराया दूसरे प्लांट के साथ जिसमें ग्रीन कलर की सीड्स हैं और रिंकल्ड हैं। तो येलो राउंड का ग्रीन रिंकल्ड के साथ हमने क्रॉस कराया, ठीक है। ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया। इसके नीचे हम क्या लिखते हैं हमेशा, इसका जीनोटाइप। हम होमोजाइगस कंडीशन लेंगे, कैपिटल वाई डोमिनेंट है, कैपिटल आर क्योंकि राउंड भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसी का ही लोअर केस लेटर रेसेसिव को दिखाने के लिए आ जाएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मियोसिस होके क्या बनेंगे, गैमीट्स, ठीक है। यहाँ पे कितने अलील्स हैं, 4 अलील्स हैं, तो गैमीट भी कितने बनेंगे, 4। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 अलील्स थे तो गैमीट्स भी कितने बने थे, 2। यहाँ पे 4 अलील हैं, 4 गैमीट्स बनेंगे। एक बार ये कैपिटल वाई इस आर के साथ आएगा, एक बार ये कैपिटल वाई इस आर के साथ आएगा। सिमिलरली दूसरा कैपिटल वाई एक आर के साथ, फिर दूसरे आर के साथ। क्योंकि यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है तो सारे गैमीट कैसे बन जाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, सारे गैमीट सेम बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, 4 गैमीट्स बनेंगे, चारों सेम बनेंगे। तो हम सारे ना लिखकर कोई एक लिख लेते हैं, बिकॉज ऑल आर सिमिलर। सिमिलरली यहाँ पे एक बार स्मॉल वाई इसके साथ, फिर दूसरे आर के साथ, स्मॉल वाई इस आर के साथ, दूसरे आर के साथ। यहाँ पे भी होमोजाइगस कंडीशन है तो चारों अलील सेम बनेंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर, कोई एक लिख लिया हमने। गैमीट्स को हमने सर्कल में दिखाना है हमेशा। अब क्या होगा, F1 जनरेशन बनेगी, फर्टिलाइजेशन होगा, ये इसके साथ फ्यूज कर जाएगा और सारी की सारी प्रोजनी हेटरोजाइगस आएगी एक बार। और जब भी अब हम लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे पहले
कैपिटल लेटर लिखेंगे फिर लोअर केस लेटर लिखेंगे, तो कैपिटल वाई फिर इधर स्मॉल वाई फिर इधर कैपिटल आर और साथ में स्मॉल आर, सारी प्रोजनी एफ वन प्रोजनी यही आएगी। ये है एफ वन जनरेशन और यहाँ पे क्या हुआ है फर्टिलाइजेशन, रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जिसको कहते हैं, ठीक है ये आ गई। इसका अब नीचे फिनोटाइप लिखेंगे, कैपिटल वाई कंट्रोल करता है डोमिनेंट कैरेक्टर यानी येलो को, ठीक है, और कैपिटल आर कंट्रोल करता है अगेन दूसरे डोमिनेंट कैरेक्टर को जो कि कैपिटल आर किसके लिए है राउंड के लिए, तो सारे सीड्स कैसे आ गए येलो राउंड, तो येलो राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है सारी प्रोजनी येलो राउंड आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हम कराते हैं सेल्फिंग, सेल्फिंग मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था अक्रॉस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम जनरेशन इज नोन एज सेल्फिंग, एक ही जनरेशन के सारे सेम इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसे सेल्फिंग कहते हैं, तो यानी अब हम येलो राउंड का क्रॉस कराएंगे, तो अब हमारा हो गया पी टू जनरेशन सेकेंड पेरेंटल जनरेशन, क्या ले ली हमने येलो राउंड का क्रॉस होगा येलो राउंड के साथ में, ठीक है ये आपने फीमेल मान लिया सपोज, ये आपने मेल मान लिया, ठीक है येलो राउंड ये इसका फिनोटाइप है, इसके नीचे इसका क्या लिख देंगे हम जीनोटाइप, ठीक है यही जीनो ये फिनोटाइप तो ये जीनोटाइप, तो ये क्या कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी सेम कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इनके बनेंगे गैमीट्स, यहाँ होमोजाइगस कंडीशन थी इसीलिए सारे के सारे गैमीट्स कैसे बने थे सेम, तो मैंने एक एक लिख लिया, जब हेटरोजाइगस कंडीशन होती है तो गैमीट्स डिफरेंट बनते हैं इसलिए चार गैमीट्स बनेंगे चारों ही अलग अलग, तो अब हम ऐसे चार लाइंस खींच लेंगे क्योंकि हमें दोनों तरफ चार चार गैमीट्स लिखने हैं, दोनों तरफ सेम जीनोटाइप है तो दोनों तरफ सेम ही गैमीट्स बनेंगे, यहाँ पे होगा मियोसिस और क्या बनेंगे गैमीट्स, ठीक है। अब एक बार कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ आएगा फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ फिर अब स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ और स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ, ठीक है सेम इधर भी यही बनेंगे दोनों का तरफ दोनों तरफ जीनोटाइप सेम है कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ फिर यही कैपिटल वाई दूसरे स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ और स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ, तो ये बन गए हमारे चार चार गैमीट्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्योंकि दो दो गैमीट बन रहे थे तो मैंने लाइन डायग्राम बना दिया था, क्योंकि यहाँ पे चार चार गैमीट बन रहे हैं और चारों ही अलग अलग तो हम लाइन डायग्राम से प्रोजनी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब घिचपिच हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और उससे हम नेक्स्ट प्रोजनी अपनी दिखाएंगे, तो इसके आगे मैं इधर बना रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगी हमारी एफ टू जनरेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार गैमीट्स बने हैं तो 16 प्रोजनी बनेंगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर का, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैमीट्स, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो मैं 16 ब्लॉक्स वाला एक पूरा टेबल बना लूँगी, ठीक है, एक दो तीन और ये हो गए हमारे चार, ऐसे इधर भी एक दो तीन और ये हो गया हमारा चार, ठीक है। एक तरफ नीचे हम फीमेल रखते हैं ऊपर हम मेल रखते हैं, फीमेल वाले गैमीट इधर रख दूंगी मेल वाले उधर, दोनों तरफ वैसे तो सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीनोटाइप सेम था, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये ऊपर भी रखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब हम इनकी प्रोजनी दिखाएंगे, ये दोनों यहाँ ऐसे ही इसके साथ पूरी इधर इसके साथ इनके साथ मिलाकर इधर इधर हम लिखते जाएंगे, ये दोनों कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अब ये इन सब के साथ
कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये इन सब के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल सॉरी अब दोनों स्मॉल हैं, स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये इनके साथ कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई हैं, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और अब ये इसके साथ स्मॉल वाई कैप स्मॉल आर स्मॉल आर। ये तो आप लिख दोगे, बहुत आसान काम है देख देख के लिखना। इनके नीचे इनका फिनोटाइप लिखना ज़रूरी है, वो आपको आना चाहिए। जहाँ पे भी कैपिटल लेटर दिख जाए वहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, जहाँ पे स्मॉल लेटर दिख जाए वहाँ रेसेसिव कैरेक्टर आएगा। दोनों कैपिटल हैं तो ये हो गया येलो राउंड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको फुल में लिखना है। ये भी कैपिटल बाई कैपिटल आर है येलो राउंड, कैपिटल बाई कैपिटल आर येलो राउंड, कैपिटल बाई कैपिटल आर येलो राउंड, कैपिटल वाई कैपिटल आर येलो राउंड, कैपिटल वाई है येलो लेकिन स्मॉल आर है तो राउंड ना होकर क्या हो जाएगा रिंकल्ड। कैपिटल वाई कैपिटल आर येलो राउंड, कैपिटल वाई येलो अगेन स्मॉल आर है तो राउंड ना होकर कैसा हो गया रिंकल्ड। कैपिटल वाई कैपिटल आर येलो राउंड, दोनों कैपिटल येलो राउंड, स्मॉल वाई है तो येलो नहीं होगा ग्रीन होगा, कैपिटल आर है तो राउंड, स्मॉल वाई ग्रीन, कैपिटल आर राउंड तो ग्रीन राउंड हो गया। कैपिटल वाई कैपिटल आर येलो राउंड, कैपिटल वाई येलो लेकिन स्मॉल आर है तो राउंड ना होकर हो गया रिंकल्ड, स्मॉल वाई येलो ना होकर क्या होगा ग्रीन, कैपिटल वाई राउंड ग्रीन राउंड, सारा ही स्मॉल में है तो येलो राउंड का दूसरा हो गया हमारा क्या होता है ग्रीन रिंकल्ड। ये हमारा क्रॉस हो गया। अब नीचे हम इनका क्या लिख देंगे फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो आप देखो, ठीक है, चार फिनोटाइप मिले हैं, येलो राउंड येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड ग्रीन रिंकल्ड, चार फिनोटाइप है हमारे पास, येलो राउंड रेशो येलो रिंकल्ड रेशो ग्रीन राउंड रेशो ग्रीन रिंकल्ड। काउंट करते जाओ, एक फिर येलो राउंड काउंट कर रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ एक रह गया नौ, ठीक है तो ये हो गया हमारे नाइन। येलो रिंकल्ड काउंट करो, एक दो तीन, तो हमने इसके नीचे तीन लिख दिया। ग्रीन राउंड काउंट करो, एक दो ये हो गया तीन, तो इसके नीचे थ्री लिख दिया। ग्रीन रिंकल्ड हमारा एक ही है तो ये आ गया हमारा रेशो, फिनोटिपिक रेशो नाइन रेशो थ्री रेशो वन। जीनोटिपिक रेशो आपकी बुक में है नहीं बट स्टिल मैं लिख देती हूँ, इसको याद करने का एक तरीका है हमारा। जीनोटिपिक रेशो क्या है, पहले हम लिखते हैं वन टू वन, इधर भी वन टू वन, इनका डबल कर देते हैं बीच में, वन का डबल टू, टू का डबल फोर, वन का डबल टू, तो ये हो गया हमारा रेशो वन टू वन, टू फोर टू, वन टू वन। कौन सा वन है कौन सा टू है वो आप खुद देख सकते हैं, वैसे ये पेपर में आपके आता नहीं है, पूछते नहीं है, जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो ही पूछते हैं। तो ये हमारा पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।